हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी। बहुत ही यूनिक तरीके से हम इसे बनाएंगे। जब कभी भी आप जल्दी में हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही कम समय में आप इसे बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे पुलाव, फ्राइड राइस, रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। खाने के लिए मैंने लिया है 3 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 2 बड़े टमाटर रफली कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन कुटी हुई और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 5-6 काजू, मैंने 2 घंटे पहले भिंगो दिया था। काजू और टमाटर को मिक्सर जार में डाल के बारीक पेस्ट तैयार कर लें। इस तरह का आपको पेस्ट तैयार करना है। पनीर क्यूब्स आप चाहे तो इसे तल सकते हैं, मैंने इसे बिना तले डाला है। गैस पे कुकर रखें। कुकर जब गर्म हो जाए तो 3 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालें, 2 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा, खड़ा गरम मसाला मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और प्याज को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च, कुटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डालने के बाद इसे एक बार चला लें। दो से तीन मिनट तक हमें इसे भून लेना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट जो मैंने तैयार किया था वो डाल देंगे और फिर से एक बार इसे चला लेंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैंने 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च डाला है। सब्जी के अच्छे कलर के लिए मैंने डाला है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। कसूरी मेथी मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच। मिक्स कर लें। 1 बड़ा चम्मच फ्रेश मलाई मैंने डाला है। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं मसाला भूनकर अच्छे से तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और मिक्स करेंगे। मसाला आप देख सकते हैं तेल छोड़ चुका है। अब इसमें हम पनीर क्यूब्स डालेंगे। पनीर आप चाहें तो तल के भी डाल सकते हैं, मुझे बिना तले पसंद है इसलिए मैंने ऐसे डाला है। पानी डालें, ग्रेवी आपको जितनी रखनी है उतना पानी डालें, मिक्स करें और कुकर का ढक्कन लगा दें। ये ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा लें और गैस को बंद कर दें। प्रेशर निकलने के बाद ढक्कन को खोलें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और मिक्स करें। बहुत ही जल्दी आप इसे बना सकते हैं। अगर आप जल्दी में हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसका टेस्ट भी लाजवाब है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे पुलाव, फ्राइड राइस, नान या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखने में ही ये सब्ज़ी कितनी यम्मी लग रही है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।